असल स्टूडेंट्स दिस इज़ इब्राहिम लास्ट क्लास में सेप्टेबर 22 अटैम्प्ट के जितने भी डायरेक्टर्स के सवाल थे चाहे वो एम सी क्यूज़ हों चाहे वो सिनैरियो बेस्ड क्वेश्चन हों या थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन हो उसको बड़ा लॉजिकली हमने समझा किस तरीके से ड्राफ्ट करना होता है आई के किस तरीके से आपको एक सवाल दे के ये ये इम्प्रेशन दे रहा होता है कि जी लेट से ये तो इनकॉपरेशन से रिलेटेड सवाल है या फिर ये मेंबर से सवाल है लेकिन वो इनडायरेक्टली मेंबर से सवाल बनते बनते डायरेक्टर्स की तरफ आ जाता है सही है और किस तरीके से डिफरेंट सेक्शन अप्लाई हो रहे होते हैं और उसमें से कौन सा रेलिवेंट सेक्शन आपने पेपर में लिखना है किस तरीके से सेक्शन को लिखना है और सेक्शन को किस तरीके से अप्लाई करना है ये हमने सेप्टेम्बर बाईस के ड्राफ्टिंग में चेक किया था आज से क्लास हम इन मार्च बाईस के अटैम्प्ट को इसी तरीके से असेस करेंगे कुछ एम सी क्यूज हैं कुछ अच्छे सैनैरियो बेस्ड क्वेश्चन है आए देखते हैं इसको मार्च बाईस में हमारे पास दो एम थे डायरेक्टर्स के वेयर अ डायरेक्टर had entered into a contract with the company for supply of raw material without obtaining the required approval, the contract shall be voidable at the option of the board. unless within 90 days from the date at which such contract was entered into, it is ratified by the director and shareholder in their respective meeting, either by the director in their meeting or by the shareholder in their meeting, by the director only in their meeting, by the shareholder only in their meeting. they came. ये बड़ा जरूरी है कि यहां पे इसने बेसिकली जो लॉ में एप्लीकेशन है ना जो लॉ की वर्डिंग है उसमें इस, इस uh, अगर मैं आपके सामने लॉ पढ़ू वेयर एनी कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट इज एंटर्ड इन टू बाई अ डायरेक्टर और एनी अदर एम्प्लॉय विदाउट द देंट ऑफ द बोर्ड और अप्रूवल बाय स्पेशल रेजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग अंडर एंड इफ इट इज नोटिफाइड बाय द बोर्ड और एज द केस मे बी बाय द शेयर होल्डर एंड इज नॉट रेटिफाइड बाई द बोर्ड और एज द केस में शेयर होल्डर एट अ मीटिंग सही है और का वर्ड लिखा है सही है तो वो जो रेटिफाई करना होता है नाइनटी डेज के अंदर या तो वो बोर्ड ने करना होता है या वो मेंबर्स ने करना होता है ये डिपेंड करता है कि आपके जो बोर्ड ने पॉलिसी बनाई थी कि भाई ये वो एग्रीमेंट्स है जिसमें शेयर होल्डर्स की अप्रूवल रिक्वायर्ड है बाय वर्च्यू ऑफ लॉ या बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन यहाँ पे मेंबर्स की अप्रूवल रिक्वायर्ड है

और अगर यहां पे लिखा है वॉडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द बोर्ड सही है और अगर वो नब्बे दिन के अंदर रेटिफाई नहीं होता तो फिर वो वॉइडेबल है एट द ऑप्शन ऑफ द बोर्ड तो यहां पे बच्चा क्या लिख के आ गया बाय द डायरेक्टर्स ओनली इन दियर मीटिंग सी आंसर लिख के आ गया बिकॉज इसने आखिरी वाली लाइन चेक करी आप एमसीक्यू पढ़े वो एमसीक्यू में आपको सिनेरियो क्या रख रहा है दो सिनेरियो है नब्बे दिन के अंदर क्या करना है और आफ्टर नाइनटी डेज क्या है विद इन नाइनटी डेज इट मस्ट बी इट मस्ट बी रेटिफाइड बाय इट मस्ट बी रेटिफाइड इधर बाय द बोट और बाय द शेयर होल्डर है यही अगर आपने रेटिफाई करना है तो या तो वो बोर्ड करें या फिर मेंबर्स करें चेक करना पड़ेगा किसके ऊपर ये जाती है चीज़, है चीज़ ठीक लेकिन अगर 90 डेज के अंदर नहीं होता तो फिर बोर्ड के ऊपर ये है फिर वो बोर्ड देखे वॉयल एग्रीमेंट है क्या उसको ये एग्जीक्यूट करना है कि नहीं करना तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास होगा वो होगा इधर बाय द डायरेक्टर इन दियर मीटिंग और बाय द शेयर होल्डर इन दियर मीटिंग रेटिफिकेशन जो होगी वो दोनों में से किसी एक की वो वही बात है कि डिपेंड करता है पॉलिसी में क्या लिखा हुआ है बोर्ड की पॉलिसी में क्या लिखा हुआ है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है हमारे पास इसका करेक्ट आंसर बी प्यारे बच्चों हमारे पास है और इस तरीके से छोटे छोटे एम सी क्यूज होते हैं और लॉ यहाँ पे आपको या आई के आपको यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा होता है सही है तो इसके अंदर अगेन अगर आप देखें तो दो सिनैरियो को बेसिकली वो कवर कर रहा है एक विद इन नाइन्टी डेज वाले सीनैरियो को कवर करा है और एक आफ्टर नाइन्टी डेज वाले सीनरियो आपने एम सी में देखना है कि वो आपसे पूछ क्या रहा है वो विद इन नाइनटी डेज वाला आपसे पूछ रहा है सही है अच्छा एक और एमसी को देखते हैं इन द केस ऑफ दिस अ चीफ एग्जीक्यूटिव पाउस एंड मैनेजर आर प्रोहिबिटेड टू इंगेज इन अ बिजनेस विच कंपीट्स विद द बिजनेस ऑफ द कंपनी

प्राइवेट कंपनी का सी होता है बहुत सेट होता है वही मेजर शोल्डर होता है वही सी होता है और उसके बहुत से ऐसे और बिजनेसेस हो रहे होते हैं जो कि उससे नॉर्मली कंपीट कर रहे होते हैं तो इसलिए यहाँ पे इसको रिस्ट्रिक्शन नहीं करा हुआ है रिस्ट्रिक्शन पब्लिक कंपनी को किया हुआ है इसके पीछे इसकी लॉजिक ये है सही है अच्छा आ, तो यहाँ हमारे पास आंसर बी हो जाएगा अब हमारे पास कुछ अच्छे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है प्यारे बच्चों ठीक है देखिए अगर हम सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन को देखें ब्राउन एंटरप्राइज लिमिटेड वॉज फॉर्म्ड एज अ कंस्ट्रक्शन कंपनी विथ एन इश्यूड एंड पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ पाँच सौ मिलियन शेयर्स इसको हम थोड़ा सा यहां पर काम कर लेते हैं कि सिनेरियो यहां पे बना लेते हैं हम हम ये देख लेते हैं कि ब्राउन एंटरप्राइज लिमिटेड के पास 500 500 मिलियन ऑर्डनरी मिलियन के शेयर्स हैं इसके पास ये चीज़ हमने कर ली ऑर्चिड लिमिटेड टी लिमिटेड सही है लिमिटेड और इसकी एक सब्सिडी विच इज वन ऑफ द सब्सिडी कंपनी ऑफ ऑयल इसकी एक सब्सिडी है टी लिमिटेड मैं इसको टी कर देता हूं एंड एम पी एल और एक और कंपनी है जिसका ओएल से टीएल से कोई ताल्लुक नहीं है एमपीएल है एंड टू फोर्टी फाइव मिलियन ऑर्डनरी शेयर ऑफ बीई एल रिस्पेक्टिवली और एमपीएल ने आपके पास टू फोर्टी फाइव मिलियन शेयर सब्सक्राइब किए हुए सही है अच्छा अगर मैं देखूँ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ बीई एल

तो आपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने लॉ देखना है कि लॉ आपसे क्या कहता है ठीक है ये जो एक ट्रांजेक्शन है ये जो ट्रांजेक्शन है ये आप कह सकते हैं कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन भी है ठीक है ये रिलेटेड पार्टी लेकिन रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन भी कहता है आपसे कहकर जी एज पर द पॉलिसी अप्रूव बाय द बोर्ड अब यहां पे एक स्पेसिफिक सीनेरियो है जिसको लॉ कवर करता है अगर आप यहां पर लॉ को देखें तो लॉ इस सीनैरियो को स्पेसिफिकली कवर करता है जिसका नाम है सेक्शन दो रिस्ट्रिक्शन ऑन नॉन कैश ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग दी डायरेक्टर्स यहाँ पे सेक्शन 211 अप्लाई हो जाएगा लेकिन सवाल में एक ट्रिकी पार्ट है प्यारे बच्चों सवाल में ट्रिकी पार्ट ये है सवाल में ट्रिकी पार्ट ये है कि अगर आपने सेक्शन को अगर हम देखेंगे तो सेक्शन में बड़ा कैटेगोरिकली आपसे ये कहता है कि जी अगर ट्रांजेक्शन होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर के साथ भी हो रही होगी तो आपने होल्डिंग कंपनी की भी अप्रूवल लेनी पड़ेगी इसे रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा एक बार मैं आपके साथ लॉ पढ़ लेता हूँ

अनलेस द प्रायर अप्रूवल फॉर सच अरेजमेंट इज अकॉर्डेड बाय आर रेजोल्यूशन ऑफ द कंपनी इन जनरल मीटिंग से उसका मतलब यह है कि कंडीशन क्या है पहली कंडीशन यह रेजोल्यूशन पास होगा सर यह पहली कंडीशन हो गई उसके बाद द नोटिस ऑफ द अप्रूवल ऑफ द रेजोल्यूशन बाय द कंपनी शेल इंक्लूड the particulars ऑफ the अरेंजमेंट along विद the वैल्यू ऑफ़ the asset involved इन सच अरेंजमेंट ड्यूली कैलकुलेटेड by आर रजिस्टर्ड वैल्यूवर सही है ड्यूली calculate तो ये दूसरी कंडीशन हो गई लेकिन सर सवाल अगर मैं देखूँ सवाल तो मेरे पास 5 नंबर का है सवाल मेरे पास 5 नंबर का है प्यारे बच्चों यहाँ पे एक ट्रिकी पार्ट है और ट्रिकी पार्ट यहाँ पर यह है कि सवाल को अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे वर्ड यूज़ हो रहा है होल्डिंग कंपनी का मैं इस पूरे सीनारियों को देखूँ मैं इस पूरे सीनैरियो को देखूँ तो अगर मेरे पास ओवल के पास शेयर्स के TL उसके है उसके पास पास अगर मैं यहाँ पे 125 प्लस 130 करता हूं, तो मेरे पास कितने बन दो सौ पचास दो सौ पचपन और कंपनी के टोटल शेयर होल्डर कितने हैं? सौ अगर मैं इसे डिवाइड करूं तो मेरे पास आंसर आ जाता है फिफ्टी वन परसेंट फिफ्टी परसेंट ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब बीई एल इज दब्सिडरी कंपनी एंड ओएल इज दी होल्डिंग कंपनी तो यहां पर जो रेजोल्यूशन पास होगा वो ओएल्स के भी शेयर होल्डर से पास करवाना पड़ेगा और बीई एल के भी शेयर होल्डर से पास करवाना पड़ेगा और रेजोल्यूशन में जो शेयर जो लैंड है उसकी वैल्यू भी डिटर्माइन करनी पड़ेगी और जो फिफ्थ फ्लोर आप दे रहे हैं उसकी लैंड की भी उसकी भी आपने वैल्यू रेजिस्टर्ड वैल्यूर से डिटरमाइन करनी पड़ेगी ताकि शोल्डर को पता चले कि 100 मिलियन की लैंड दे रहे हैं और जो लैंड बनेगी उसके ऊपर जो फिफ्थ फ्लोर बनेगा उसकी वैल्यू भी अराउंड 100 मिलियन ही आ रही है तो आपने दोनों वैल्यूएशन करवानी पड़ेगी प्यारे बच्चों तो यहाँ पे हमारे पास लॉ आपसे ये कहता है और इसका आंसर ये है सिंस ओएल टुगेदर विद द होल्डिंग ऑफ टी होल्ड्स होल्ड फिफ्टी शेयर होल्डिंग इन बी ई एल दियर फॉर बी ई एल इज दब्सिडी ऑफ ओएल द रिजन शेल बी पास बाई द कंपनी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बाई द कंपनी नोटिस शेल इंक्लूड द पर्टिकुलर्स ऑफ द अरेजमेंट अलॉन्ग वैल्यू ऑफ द एसेट ड्यूली कैलकुलेटेड बाय द रजिस्टर्ड वैल्यूअवर और यहाँ पर जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर अपॉइंट होगा वो दो मतलब दो वैल्यूएस करके देगा वो एक आपको लैंड की वैल्यूशन करके देगा और एक आपको फिफ्थ फ्लोर की वैल्यूएशन करके देगा कि यहाँ तक हमें बात समझ आती है बच्चों तो ये हमारे पास देखें इस तो आपसे आई क्या कभी सवाल में होल्डिंग कंपनी का वर्ड यूज़ नहीं कर रहा होगा ठीक है आपने सवाल में स्ट्रक्चर देखना है कंपनी के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करनी है कंपनी की होल्डिंग कंपनी कौन है कंपनी की सब्सिडी कंपनी कौन है लॉ में क्या कहता है और इस लॉ में क्यों होल्डिंग कंपनी का वर्ड भी यूज़ किया हुआ है क्यों बाकी कंपनीज का वर्ड भी यूज़ किया हुआ है इसके पीछे भी एक लॉजिक है नॉन कैश ट्रांजेक्शन को क्यों मना किया गया है क्यों रेजोल्यूशन लेनी है डायरेक्टर के साथ कोई ट्रांजेक्शन होती है वो बैंकिंग चैनल के साथ होनी चाहिए ये सारे सेक्शन के पीछे लॉजिक थी जो कि हमने

और IPL जो है वो बीपीएल को मैनेज कर रहा है वो मैनेज कर रहा है बीपीएल material रॉ the फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इट्स मेन प्रोडक्ट इन ऑर्डर टू मीट इट्स फ्यूचर रॉ BPL बीपीएल टू to एन इंटरेस्ट फ्री लोन फॉर अ पीरियड टू of टू years सोल सप्लायर sole supplier JPL. तो बीपीएल एक लोन देने जा रहा है किसको JPL जेपीएल को सही है एक इंटरेस्ट फ्री लोन देने जा रहा है इंटरेस्ट फ्री लोन का वर्ड आपने सुना तो आपके जहन में एक सेक्शन ट्रिगर कर गया होगा ठीक है फॉर द एक्सपेंशन ऑफ इट्स मैन्युफेक्चरिंग फैसिलिटीज जेपीएल अब ये लाइन खतरनाक है अब तक मैं अगर सवाल पढ़ू तो ये जेपीएल कहीं से भी मेरी एसोसिएटेड कंपनी नहीं है सही है लेकिन अगर मैं ये लाइन पढ़ू जेपीएल इज ऑल्सो मैनेज बाई आई पी एल तो आईपीएल जो है वो जेपीएल को भी मैनेज कर रहा है सिर्फ इसको मैनेज नहीं कर रहा बल्कि इसको भी मैनेज कर रहा है तो आईपीएल दो कंपनीज को मैनेज कर रहा है बीपीएल और बीपीएल जेपीएल को एक इंटरेस्ट फ्री लोन देने जा रहा है डिस्कस द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट दट आई रिक्वायर टू भी कम्पेयर विद बाय द पीपल विद रिस्पेक्ट टू द अबव लोन प्यारे बच्चों देखें इन्वेस्टमेंट तो है इंटरेस्ट फ्री लोन दे रहे हैं इन्वेस्टमेंट तो है सिर्फ देखना ही है सेक्शन वन नाइनटी नाइन के लिए बिकॉज पढ़ा भी लॉ को इस तरीके से एसोसिएट कंपनी को अलग पढ़ाए इन्वेस्टमेंट के वर्ड को अलग पढ़ाए फिर रिक्वायरमेंट्स को पढ़ाए अब हमने देखना ही है प्यारे बच्चों के क्या ये एसोसिएटेड कंपनी है तो एसोसिएटेड कंपनी के देखने के लिए हमें काम ये करते हैं कि हम सवाल में डेफिनेशन को रीड कर लेते हैं जो हमारे पास लॉ है लॉ ये कहता है मीन्स टू और मोर कंपनीज और कंपनी एंड एन अंडरटेकिंग रेलिवेंट नहीं है मेरे लिए टू और मोर कंपनी इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर इन द फॉलोइंग मैनर्स नेमली इफ द कंपनीज और अंडरटेकिंग आर अंडर कॉमन मैनेजमेंट क्या वो अंडर कॉमन मैनेजमेंट है यस बोथ द कंपनी बीपीएल एंड जेपीएल आर अंडर कॉमन मैनेजमेंट और वन इज दब्सिडी सब्सिडी का केस नहीं है आर अंडर कॉमन इन द बी पी एल एंड आर आर द द एसोसिएट एसोसिएट कंपनीज बोथ बाय तो ये ये आपने सबसे पहले कंपनी है, है उसके बाद जाके ये चीज आपने डेफिनेशन से लिखी मेरे बच्चों ये चीज आपने डेफिनेशन से लिखी और डेफिनेशन लिखने के बाद आपके पास ट्रिगर कर गया सेक्शन एक सौ निन्यानवे जो आपसे कहता क्या है एक्सेप्ट अंडर द अथॉरिटी ऑफ अ स्पेशल रेजोल्यूशन विच शल इंडिकेट द नेचर पीरियड अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड द टर्म्स एंड कंडीशन अटैच दियर टू सबसे पहली चीज आपने ये लिख दी बच्चों सबसे पहली चीज आपने लिख दी दूसरी चीज द कंपनी शेल नॉट इन्वेस्ट इन कंपनी बाय वे ऑफ लोन्स और एडवांस तो यह तो लोन है एक्सेप्ट इन अकॉर्डिंग विद एन एग्रीमेंट इन दूसरी रिक्वायरमेंट ये होगी दियर मस्ट बी एन एग्रीमेंट Such agreement shall enter and include the terms and conditions specifying the nature, purpose, period of the loan, rate of return, fees or commission, repayment, schedule for principal and return, penalty clause in case of default or late payments and security if any for the loan in accordance with the approval of the member in the journal meeting." तो यहां पे अगर आप लोन देने जा रहे हैं तो आपने एग्रीमेंट में ये सारी चीजें बतानी होंगी इसी एग्रीमेंट को शेयर होल्डर मीटिंग में अप्रूव कर करेंगे प्रोवाइडेड दैट द दे रिटर्न ऑन सच इन्वेस्टमेंट शेल नॉट बी लेस देन द बोरिंग कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टिंग कंपनी ये चीज भी आपको मैंशन करनी होगी रिकॉर्ड कंडीशन आपको रजिस्टर्ड मेंटेन करना पड़ेगा अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में तो ये इन्वेस्टमेंट इन एसोई कंपनी का सेक्शन कैसे अप्लाई हुआ इस चीज के ऊपर तो सवाल में कभी भी कैटेगोरिकली वो आपसे ये नहीं कहेगा कि इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी सवाल में वो आपसे इस तरीके से सवाल पूछेगा कि आपको ये

वो आपके बोरिंग रेट से कम नहीं हो सकता ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक शोल्डर को नुकसान पहुँचा अपने।, अपने अपना बेहद ख्याल रखिएगा नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह वापस मुलाकात होगी एक और अटेम्प्ट के साथ जिसके अंदर हम सारे एमसीक्यूज़ और सवाल को करेंगे थैंक यू सो मच